हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कच्चा पपीता लिया है, हरा कलर, लाल कलर और ऑरेंज कलर, और एक कटोरी शक्कर ली है। इसको अब हम छिलेंगे। हमने इसका छिलका उतार लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके अंदर हल्के से भी छोटे छोटे से बीज है, उसको हम निकाल देंगे चम्मच की मदद से। अब हम इसकी बारीक बारीक पीसेस कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने से पहले से जो अंदर का ये पार्ट है, इसको हम निकाल लेंगे, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे अंदर के पार्ट्स निकाल के फिर इसकी बारीक बारीक कटिंग कर देंगे। हम 2 से 3 कप पानी उबलने के लिए रख देंगे। इसको हमने बारीक पीसेस में काट दिया। अब हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये पीसेस डाल देंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट हो गए, अब ये हल्के से ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और छलनी से छान लेंगे। अब हम 2.5 कप पानी डालेंगे, 2.5 कप। अब हम इसमें हमने जो शक्कर डाल रखी निकाल रखी है 1 कप, उसको हम डाल देंगे और इसको हम पिघलने देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे पिघलने में। अब शक्कर पिघल गई है और जो हमने पपीता पका रखा था उसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको 20 से 25 मिनट लो मीडियम पे पकाएंगे। हम इसको बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे, को चेक करेंगे। एक तार की चाशनी होनी चाहिए। चाशनी बन गई हमारी। अब हम इनको बराबर हिस्सों में कटोरी में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें हम फूड कलर डालेंगे, ये रेड। चाशनी को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, एक तार से ज्यादा होगी तो इसमें क्रिस्टल आने लग जाएंगे, इसलिए एक तार की चाशनी से ज्यादा नहीं पकानी उसको। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम 24 घंटे के लिए चाशनी में ही डुबो के रखेंगे, जिससे इस पर अच्छे से कलर चढ़ जाए। अब हम इसकी जो चाशनी थी वो निकाल लेंगे। अच्छे से सॉक कर ली इसने चाशनी को, ये देखो एकदम। अब हम इसको एक छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे। जो ये चाशनी है वो भी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका हम शरबत बना देंगे। थोड़ा सा नींबू, नमक, काला नमक डाल के अच्छा सा शरबत बन जाएगा इसका। अभी हमने छान लिया है। इसको आप या तो टिश्यू पेपर या पेपर कैनवास या छलनी जो भी हो उस पर आप खाली कर सकते हैं। तो मैंने उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे जो चाशनी वो सब सॉक कर लेगा। बस ये ध्यान रखना कि इसकी एक तार की चाशनी से ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो फिर इसमें क्या है, अगर गाढ़ी चाशनी आ जाएगी तो इस पर क्रिस्टल जमने लग जाएंगे।
अब हम इसमें एक से दो बूंद गुलाब एसेंस की डालेंगे। आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। ये ऑप्शनल है, इसमें आपकी इच्छा हो तो आप डालेंगे और फिर किसी चौड़े पेपर पे या बर्तन पे शिफ्ट कर लेंगे इसको सुखाने के लिए। अब हम इसका शरबत बनाएंगे। दो से तीन चम्मच चाशनी ले लेंगे हम। इसमें हम नींबू निचोएंगे और हम इसमें काला नमक डालेंगे। नमक और पानी ये शरबत हमारा बनकर तैयार है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। हमने इसको फैला दिया है। चेरी अच्छे से सूख गई है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इसका हमने जो बचा हुआ था चाशनी उसकी हमने शरबत बना ली और शरबत भी बहुत अच्छा लगा। उसमें आप भली नींबू डाल के बना सकते हैं या सोडा डाल के भी बना सकते हो शरबत को, आपकी इच्छा हो जैसे आप उसको बना के पी सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, चेरी को हम छाया में ही सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।